मांगे। पीएचई डेली वेजर एम्प्लॉयज की ओर से आज अपनी मांगों को लेकर जिला पुंछ की तहसील भिंडर में प्रोटेस्ट किया गया। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इन्हें रेगुलराइज किया जाए और इनकी पेंडिंग सैलरी इनको दी जाए। सैलरी न मिलने की वजह से इन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुंछ से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। सभी डेली वेजरों को इस सरकार पे पूरी उम्मीद थी कि हमारा घर जो है वो सही तरह चलेगा। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं कि हमें टीचर बार बार बच्चों को घर में वापस भेज देते हैं कि हमारे पास वो फीस नहीं है, तो बच्चों को वापस भेजते हैं जब, तो हम तंग हो जाते हैं कि बच्चों के फीस के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का गुजारा नहीं चलता है। मैंने क्या किया, मैंने पहले अपने बीवी के गहने बेच दिए और उसके बाद मेरे घर में जो जितने भी बर्तन थे मैंने वो बर्तन भी बेच दिए और गल्ला भी बेच दिया। आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि बच्चों की फीस देने के लिए, कॉपी के लिए, पेंसिल के लिए हमारे पास नहीं है। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों का ये जो मुश्किल है ये खराब मत करो। मैं आप मीडिया के माध्यम से ये फिर अपने LG साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो वादे आपने किए थे आते आते कि मैं सबसे पहले डेली वेजरों का मसला करूंगा, अगर ये इलेक्शन GDC इलेक्शन के बाद हम फारक होके पहले मसला जो है डेली वेजरों का करूंगा, और अभी तक नहीं हुआ है। हम बहुत मजबूर हो चुके हैं बच्चों की वजह से, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी कभी तो हमें घर में बच्चे आने नहीं देते हैं, तो हमारी खदारा ये सुनाई होनी चाहिए। आज जो हमने सब डिवीजन मेंटर में जो प्रोग्राम रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, एहतजाज किया अपने हक और इंसाफ के लिए, लेकिन है कि हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिला। आज हमने इसलिए ये प्रोग्राम रखा है कि हम गवर्नमेंट को दोबारा याद करवाना चाहते हैं कि हमारे साथ जो है बेइंसाफी हो रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुस्तकबिल खराब हो रहा है, हमारे फैमिली जो है वो आज महंगाई की इस दौर में जो है बहुत वक्त मुश्किल से गुजार रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो है हमारे आश्वासन देते हुए पहले गवर्नमेंट आई उन्होंने भी हमें विश्वास दिया और आज की जो गवर्नमेंट है वो भी हमें खाली विश्वास ही दे रही है कि आज करेंगे कल करेंगे, या हमारा CM जो है वो सप्ताह में आएगा या पूरी फुल अक्सरियत में हमारी गवर्नमेंट जो है वो आएगी और उसके बाद डेली वेजर को जो है इंसाफ मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इससे पहले आप दो बार इलेक्शन जीत चुके हैं जम्मू कश्मीर के, आपने UT भी बनाई, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ की घड़ियाँ जो है वो कब तक मिलेंगी। हम ये कहना चाहते हैं इस मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया ही हमारी रिपोर्ट जो है ऊपर तक पहुँचा सकते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें फिल्म जो है वो इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे डेली वेजर जो है वो सुसाइड करने शुरू हो चुके हैं। हमारे पिछले दिनों में आज 4-5 दिन से हमारे रियाज अहमद जो पुंछ में उसका सुसाइड हुआ है और उसने जानबूझ के ये अपनी जिंदगी के साथ खेला है, अपने बाल बच्चे फैमिली को छोड़कर। हम ये चाहते हैं उस रियाज अहमद की फैमिली को इंसाफ मिले और तमाम डेली वेजरों को इंसाफ मिले, क्योंकि कब से हमने त्यौहार लगाई है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमें ना ही पेंडिंग वेजेस मिल रही है और ना ही हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। हम ये BJP से बहुत तवक्का रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि हमें फिल्म जो है 31 मार्च से पहले पहले हमें पॉलिसी मिलेगी और हम अपने फैमिली में जाएंगे खुशी लेकर। हम आज देखो इंसाफ के लिए हमारी एक तो पेंडिंग वजह 5 या 6 महीने के बाद 1 महीने की सैलरी मिलती है। हम इस महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं, हम अपना गुजारा जो है वो कैसे करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी कोशिश करें हमारी सैलरी पेंडिंग जो है वो फिल्म अदा की जाए इस बजट में। और दूसरा यह कि रेगुलेशन पॉलिसी हमारे IT डिप्लोमा होल्डर्स 1 ईयर 2 ईयर 2 साल के टेनर करके गवर्नमेंट डिसीजन के तहत लगे। हमारे CP वर्कर जो है 1994 से लेकर आज दिन तक जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे लैंड ओनर्स जो है जिन्होंने अपनी कीमती जमीन जो है गवर्नमेंट को डोनेट की और उसके इवज में बंदा भी फ्री ले लिया उन्होंने और काम भी फ्री करवा रहे हैं और उसको सैलरी भी नहीं मिलती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ जो है वो फिल्म दिया जाए। अगर इंसाफ नहीं होगा तो आने वाले दिनों में हम जो है मैं अयाल अपनी बीवी बच्चों समेत हम जो है वो प्रोटेस्ट में उतरेंगे, इसका संभालना गवर्नमेंट को मुश्किल हो जाएगा।